हाय एंड वेलकम टू पूजा'स हाइव। आज हम बनाएंगे एक ऐसी वेजिटेबल विच इज नोन बाय मेनी डिफरेंट नेम्स एंड द वेजिटेबल इज याम। कहीं पे लोग इसको सूरन बोलते हैं, कहीं पे दे कॉल इट जिमीकंद, समवेयर दे कॉल इट एलिफेंट फुट, बट ट्रस्ट मी इट्स अ पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन। याम कंटेन्स गुड गट बैक्टीरिया which is very very important for your bowel movement. So jin logon ko ye gastric problems hai or other problems related to the gut, it's an excellent vegetable for them and also it helps in weight loss. So let's get started. Hello everyone, I'm Dr. Pooja. I've been a professor of marketing to radiate this energy to a larger audience. याम कुछ ऐसा दिखता है, और प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन याम एंड स्वीट पोटैटो विच इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक विच पीपल डू। बोथ आर अ सिमिलर कैटेगरी बिकॉज बोथ आर ग्रोन अंडरग्राउंड एंड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबर्स, बट दोनों का जो टेस्ट है वो टोटली डिफरेंट है। स्वीट पोटैटोज आर स्वीट, और याम में क्या होता है, एक इची एलिमेंट होता है इसमें जो कभी कभी आपकी थ्रोट में इच करता है, बट I will tell you a method जिसके अंदर आपकी itchiness बिल्कुल खत्म हो जाएगी। So आपको क्या करना है, पहले इस yam का आपको ऐसे पूरा का पूरा छिलका उतार लेना है। तो yam को I'll tell you two ways of making yam। एक मैं आपको starter बताऊंगी इसका quick सा, और एक मैं आपको proper एक सब्जी बताऊंगी जो मेरी mom-in-law की recipe है। So what we need to do is वी नीड टू कट द याम। अच्छे से इसको धो लेना है बिकॉज इसके ऊपर मिट्टी कई बार बहुत ज्यादा होती है। क्यूब्स में कट करना है, ये ना एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम होती है इसको कट करने में बिकॉज ये थोड़ा स्लिपरी भी होता है। सो डोंट लूज ऑन योर पेशेंस। सो दिस वे वी नीड टू कट इट। इतने क्यूब्स करने हैं आपने, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े और ना बहुत ज़्यादा थिक। अब ये सूरन ऐसे मैंने पूरा काट लिया है, देखो आप, और अब इसको मुझे मैरिनेट करके रखना है इन सम हल्दी एंड सम सॉल्ट। हल्दी और सॉल्ट से क्या होगा, जो मैं आपको बोल रही थी ना इसकी इचिनेस, वो इसकी इचिनेस इससे मैरिनेशन से ख़त्म हो जाएगी। सो अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 teaspoons ऑफ हल्दी इसके ऊपर ऐसे करना है, एंड नमक डाल के आपको प्रॉपरली इसको अपने हैंड्स से ये पूरा आपको कोट करना है। कोट करके आपको एटलीस्ट यू हैव टू कीप इट फॉर 20 to 25 minutes, लेट इट बी देयर, और वो अपना हल्का सा पानी भी छोड़ेगा, और उसके बाद यू सी दैट देयर विल बी नो इचिनेस लेफ्ट इन दिस वेजिटेबल। ये मैरिनेट हो रहा है हल्दी और नमक में, तब तक हम क्या करेंगे, इसकी ग्रेवी के लिए रेडी कर लेंगे सामान। उसके लिए वी नीड 3 प्याज और 3 medium-sized टोमेटोज और 2-3 ऐसे पॉड्स ऑफ गार्लिक। और हमको क्या करना है, प्याज को हम मिक्सी में नहीं चलाएंगे, इस मसाले को वील कट इट विद द हैंड, बिकॉज मेरी मॉम इन लॉ बोलती थी कि इसकी इसका जो स्वाद आता है विद कटा हुआ प्याज वो मिक्सी वाली में बात नहीं आती, तो हम इसको हाथ से काटेंगे। आंखों में पानी आ गया, बहुत तीखा प्याज है। अब प्याज को क्या आपको करना है, आपको बिल्कुल इसको बारीक नीटली कट करना है, मोटा मत करिएगा, बिल्कुल बारीक कट। मैंने गार्लिक को भी यहाँ पे छोटा छोटा काट लिया है, और ये देखो मैंने प्याज को भी बहुत छोटा छोटा काट लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप इज हम घी लेंगे, एक बड़ा चम्मच घी का। I prefer to make it in ghee because ghee से इसका एक अच्छा फ्लेवर आएगा। And please don't heat the ghee too much. Immediately put 1 teaspoon of जीरा and then put your garlic and onions. इकट्ठे डाल देना। अब ये टमाटर भी मैंने क्या किया है, इनको मिक्सी में पीस के रख लिया है, और मैंने अपने अकॉर्डिंग 2 chilies डाली हैं। You can add
एनी अमाउंट ऑफ चिलीज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैरिनेशन पूरा हो गया है, आई एम यूजिंग सरसों का तेल यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल को उनको अच्छे से एक स्मोकी लेवल पे लेकर आना है ताकि उसकी वो सारी वो एक टिपिकल स्मेल होती है दैट विल गो, और उसके बाद हम इसके अंदर वो अपना जिमीकंद डालेंगे। ये देखिए इसका इतना धुआं निकल गया है। और आपको एक टिप देती हूँ, अगर आपको फिर भी थोड़ा सा भी कुछ वहम है कि यू नो कुछ स्मेल रहेगी या कुछ है, वैसे नहीं रहेगी ट्रस्ट मी, तो आप एक ऐसे गार्लिक को अंदर से काट कर इसके अंदर डाल दीजिए, पुट इट विद द स्किन, नॉट एन इश्यू, एंड प्लीज बी केयरफुल इट माइट टॉप अप। इसको पूरा अच्छे से इसके अंदर बर्न होने दीजिए एंड देन यू टेक इट आउट। वो बिल्कुल स्मेल चली गई है, नाउ स्लोली पुट द जिमीकंद इन। उसको पानी से आपको वॉश वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नमक और उसमें जब तक था हल्दी में वो अच्छे से अपना पूरा वो इसी में फोन चुका है ऑलरेडी। एंड हाई फ्लेम पे इसको रखकर थोड़ी देर हमको कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए हाई फ्लेम पे। अब ये सी ये स्टेज पर है, लेकिन अभी मैं इसको और थोड़ा करूँगी, थोड़ा और इसको ब्राउन करेंगे। और ये देखिए प्याज इतना ब्राउन है मेरा प्याज, अब टाइम टू पुट इन आवर सूखा मसालास। तो सबसे पहले इसमें आई पुट हल्दी, 1 बिग स्पून ऑफ हल्दी, देन आई पुट अ बिग स्पून ऑफ सूखा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च अगेन अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड इन दिस ये जो मैंने अपनी टोमेटो की प्यूरी बना के रखी है इसमें। इसको एक बार ला लेते हैं और ये देखो बनना शुरू हो गया, और जैसे जैसे बनेगा ना वो वैसे वैसे इसका ऑयल भी थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू होगा। इट विल नॉट सोक अप मच ऑफ योर ऑयल, तो अपने आप ही वो ऑयल भी थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू हो गया, बट प्लीज़ कीप ऑन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इसको हिलाते रहिए, नहीं तो एक ही तरफ वो ज़्यादा ज़्यादा बर्न सा हो जाता है। ये जब तक मेरी ग्रेवी तैयार हो रही है, अब मैं आपको तब तक स्टार्टर का बता देती हूँ कैसे करना है। अब ये इतना मैंने ले लिया है अपने स्टार्टर के लिए, और ऑयल उसी में छोड़ दिया, बिकॉज जैसे जैसे मैं इसमें मसाला डालूंगी, सबसे पहले विल पुट कड़ी पत्ता इन दिस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कड़ी पत्ता, थोड़ा हींग, 2-3 pinches ऑफ हींग, फिर 1 छोटा हल्दी, देन अगेन हमारा प्यारा सूखा धनिया, बिल्कुल थोड़ा सा पिंच ऑफ अमचूर, एंड बिल्कुल 1 स्पून ऑफ ये ठीक से ले लेना रसम पाउडर। आई एम पुटिंग रसम पाउडर बिकॉज इसमें बहुत ही अच्छा सा, इसमें जब आप इसको मिक्स करेंगे ना बहुत ही यम्मी सा फ्लेवर इसका आ जाएगा। और ये स्टार्टर बिल्कुल आपको समटाइम्स यू कैन ईट इट एज अ चाट ऑल्सो, बहुत ही यम लगता है, और देखिए बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है यार रसम पाउडर की। एंड अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर अगेन यू कैन पुट थोड़ा सा बिल्कुल नमक, बिकॉज नमक हमने ऑलरेडी ऐड करा था, और बिल्कुल थोड़े से चिली फ्लेक्स अगेन ऑप्शनल। ये मैंने बड़े गैस पे इसको शिफ्ट किया है बिकॉज मेरा स्टार्टर बन चुका था। अब ये देखो इतना हो गया, इस स्टेज पे इसके अंदर बिल्कुल 1 स्पून ऑफ टोमेटो प्यूरी डालिए आप इसको, सिर्फ इसलिए क्योंकि टोमेटो प्यूरी अगर आप 1 स्पून डालते हैं अच्छा सा तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर भी आता है आपकी सब्जियों में। ये हो गया, अब इसके अंदर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 बड़े कटोरी मटर लिया है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना बना रहे हैं। मैंने 1/2 किलो जिमीकंद लिया था, जिसमें से मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1/4 अपनी स्टार्टर के लिए यूज़ कर लिया।
और इसके अंदर ही जिमीकंद भी डाल दो और इसको इसके साथ अच्छे से चला लो। 2-3 मिनट्स चलाएंगे, अच्छे से उसके साथ मिक्स हो जाएगा। अब आप इसमें पानी डालिए थोड़ा, हमको क्योंकि इसकी करी टाइप चाहिए तो हम इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपको अगर थोड़ा इसका थिकन रखना है तो आप इसके अंदर कम डालिए, बट वी प्रेफर टू ईट इट विद राइस, तो हम इसको थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा रखते हैं। देखिए इतना पानी अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, ये गया होगा इसमें 2-2.5 ग्लासेस ऑफ वाटर। अब इसको कवर करके रखेंगे, पहले फॉर 5-10 मिनट्स वी आर गोइंग टू कीप इट ऑन हाई फ्लेम एंड देन वी आर गोइंग टू पुट इट ऑन लो फ्लेम। ये ऑलमोस्ट डन है, इसको मैंने 40 मिनट्स आई हैव केप्ट इट ऑन लो फ्लेम। और अब इसके अंदर एंड में बिल्कुल मैं 1 स्पून ऑफ दही डालूंगी। ये मेरी मॉम इन लॉ बोलती थी कि इससे इसका बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है, पहले नहीं डालना आपको दही, एंड में ही हम इसके अंदर दही डालेंगे। अब है प्लेटिंग टाइम, तो इसको निकाल के आप ये देखो मेरा गरम गरम जिमीकंद मटर रेडी, एंड ये मेरा स्टार्टर उसके साथ। नाउ यू कैन ईट इट विद एनीथिंग, आप इसको राइस के साथ खाना चाहें राइस के साथ खा सकते हैं, नहीं तो आप रोटी के साथ खाइए। इंजॉय इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।